सो हे व्यूअर, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए है और आपको अपग्रेड करने के लिए है। टॉपिक है हमारा टोपो सरफेस एंड टोपो सॉलिड। अभी तक 2023 रेविट में आप यूज करते थे टोपो सरफेस, जिसके अंदर हम साइट बनाते थे, जैसा कि साइट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस साइट के अंदर क्या होता था, आपको जो शोल्डर्स होते हैं, आपके जो डिवाइडर्स होते हैं, वो आपको जेनरिक मॉडलिंग से बनाने पड़ते थे या फिर आपको वॉल्स के थ्रू बनाने पड़ते थे। और जो मटेरियल्स होते थे उसके अंदर टोपो सरफेस में आप एक ही लेयर डाल सकते थे, जो कि अर्थ सरफेस की होती थी, उसी का मटेरियल हम चेंज करके वर्क करते थे। बट अब 24 के अंदर ऐसा फीचर आ गया जिसकी हेल्प से आप सरफेस यानी कि साइट को भी एक फ्लोर की तरह बना सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर रोड को भी एलिवेटेड ट्रैक के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर रोड नेटवर्क दिखाना है, आपको सब डिवाइड करना है, 24 के अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। तो उसी टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं कि टोपो सरफेस से कितना डिफरेंट और कितना एडवांस है आपका टोपो सॉलिड। रैबिट के अंदर प्रॉपर डिटेल में हम समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा पूरा टोपो सरफेस है जो कि हमने यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। टोपो सरफेस के अंदर हमने देखिए फ्लोरिंग के थ्रू बनाया हुआ है। टोपो सरफेस आप बेसिकली बनाते हैं तो कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कहीं भी टोपो सरफेस बनाते हैं तो आपको साइट पर जाना पड़ता था, हमेशा आपको साइट पर जाना पड़ता था। बट यहाँ पर जो टोपो सॉलिड आया है उसमें आपको साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टोपो सरफेस के अंदर जब क्रिएट करते थे तब साइट पर जाना पड़ता था। यहाँ पर जब हम साइट मासिंग साइट पे जाते थे, यहाँ से टोपो सरफेस लेते थे और यहाँ पर पहले ही हम एलिवेशन डाल देते थे कि हमें कहाँ पर मेरा अर्थ सरफेस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 0 0 डाला, 1 2 3 4, तो ये कंप्लीट 0 0 पे है। अगर आप बीच में कहीं एलिवेशन देना चाहते हैं, जैसे मेरा 4 फिट अप हो जाए यहाँ से, तो वो एलिवेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड हम कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके का एलिवेशन मेरा दिख जाता था, इस तरीके का अप डाउन एलिवेशन दिखता था। बट इसके अंदर कभी भी हम लेयर नहीं दिखा सकते थे कि जो सबसे टॉप पे लेयर आ रहा है वो हमारा पीसीसी का है या ग्रे स्लैब का है, उससे नीचे हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ है, उससे नीचे ग्रेवल्स है, फिर हमारा कॉम्पैक्टेड अर्थ है, रबर सोलिंग है, तो वो चीज नहीं शो कर सकते थे। बट फ्यूचर के अकॉर्डिंग जैसे कुछ एडवांस हुआ, उसी तरीके से आपका टोपो सॉलिड आ गया। अब जो फ्यूचर है वो टोपो सॉलिड के अकॉर्डिंग बहुत इजी बन गया है हमारा काम करना। तो टोपो सॉलिड 24 में आया है, तो 24 को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि टोपो सॉलिड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे आप टोपो सॉलिड की हेल्प से अलग अलग लेयर्स में आपका अर्थ सरफेस बना सकते हैं। देन इसके अलावा जब आप रोड नेटवर्क शो करते हैं तो रोड नेटवर्क को भी आप एक हाइट पर शो कर सकते हैं। साइड में आपको डिवाइडर के लिए कवरिंग लगानी है, आप शोल्डर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर किस तरीके से, पहले जो टोपो सॉलिड होता था वो आप सिर्फ और सिर्फ साइट पर जाके कर सकते थे, फ्लोर में साइट पर। बट यहाँ पर मासिंग एंड साइट पे वही सेम ऑप्शंस हैं सभी, बट टोपो सॉलिड चेंज हो गया। क्रिएट फ्रॉम स्केच का मतलब क्या है, आप जो स्केच जनरेट करना चाहते हैं उसकी हेल्प से बनेगा। एंड देन यहाँ होता है क्रिएट फ्रॉम इम्पोर्ट फाइल। सो इम्पोर्ट फाइल में क्या होता है, आपके पास CSV फॉर्मेट होना चाहिए, बेसिकली जो सर्वे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वो आपके पास है, आपको सिर्फ इम्पोर्ट करना, आपका सर्फेस रेडी हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, सिर्फ फाइल चूज करने आपको जो भी .csv फॉर्मेट में है, वो हमारे पास नहीं है अभी। सो हम क्या करते हैं, यहां से क्रिएट फ्रॉम स्केच। बाकी चीजों को आप देखेंगे, साइट कंपोनेंट, पार्किंग, प्रॉपर्टी सब सेम है। ग्रेडेड रीजन हमारा कटिंग फीलिंग में काम आता है, लेबल कंट्यूरिंग हम शो कर सकते हैं। अब यहां पर हम आ गए क्रिएट फ्रॉम स्केच। क्रिएट फ्रॉम स्केच में हम आए यहां पर, और यहां पर मैंने बनाया एक सरफेस जो कि मेरा बनेगा लेवल 1 पर। यहां से लेवल 1 है, अगर यहीं पे आपको हाइट ऑफसेट डालना है तो आप माइनस वगैरह भी डाल सकते हैं, बट लेवल 1 मैंने कर दिया यहाँ पे पुट। ओके, अब मैं एक सेक्शन लेता हूँ आपको शो करवाने के लिए क्या इसके अंदर आया। तो ये मेरा सेक्शन हो गया। इस सेक्शन में मैं जैसे ही फाइन व्यू करता हूँ, आप देखेंगे 3 लेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब जो अर्थ सर्फेस है वो तो काफी नीचे होना चाहिए या फिर ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा अर्थ सरफेस 0 0 नहीं मानना चाहता, मैं 2 इंच अबव मानना चाहता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके लेवल से अप आ जाएगा।
उसके बाद आपकी रबर सोलिंग आ गया या कॉम्पैक्शन आ गया, ड्राई ब्रिक ब्लास्ट आ गया, फिर उसके बाद कॉम्पैक्टेड अर्थ आता है। सो इसका अब चेंज कैसे कर सकते हैं? अब सेलेक्ट कीजिए, जैसे फ्लोरिंग में आप चेंज करते थे, अब उसके तरीके से चेंज होगा। हमने सेलेक्ट किया नॉर्मली सरफेस बना के, अब एडिट टाइप पे जाइए, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास सरफेस आ रहा है। मैंने किया डुप्लीकेट साइट पीटीएस, ओके मैं साइट बनाना चाहता हूँ। इस साइट में जो सबसे ऊपर लेयर आ रहा है वो मेरा रहे 2 इंच का लेयर, वो कि ग्रास का रहे, ठीक है। यहाँ पे फिनिश में मैंने डाल दिया ग्रास, फाइन। सबस्ट्रेट में हमारा ग्रेवल्स रहे 6 इंच का, नो इश्यू। बट अर्थ जो सरफेस है वो तो डाउन तक रहेगा, तो मैं इसे कर देता हूँ 4 फिट डाउन। अर्थ सरफेस मेरा और डाउन रहे, ठीक है, 4 फिट तक मुझे दिखे। जैसे ही मैं ओके अप्लाई करूंगा, आप देखेंगे यहां से डाउन हो जाएगा आपका अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ये आपका अर्थ सरफेस चेंज हो गया। मैंने एडिट टाइप किया फिर से, और यहाँ पर फिर से एडिट किया। मैं चाहता हूँ एक और लेयर ऐड करना, मुझे करना है यहाँ पे ड्राई ब्रिक ब्लास्ट, 4 इंच का मुझे ड्राई ब्रिक ब्लास्ट करना है। मटेरियल में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ब्रिक्स, या कैटेगरी बना के ड्राई ब्रिक ब्लास्ट। सो बेसिकली आप अगर समझते हैं इसे, तो एक तरह से फ्लोरिंग की तरह हमारा ये पोर्शन काम कर रहा है। यहाँ पर हमने ड्राई ब्रिक ब्लास्ट डाल दिया, ओके। तो एक लेयर और ऐड हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ओके अप्लाई, ओके। अभी तक 3 लेयर आ था, सबसे पहले ग्रास आ गया, फिर ड्राई ब्रिक ब्लास्ट, फिर हमारे ग्रेवल्स, एंड देन कॉम्पैक्टेड अर्थ। परफेक्ट हमारा साइट बन गया। बट आप देखेंगे ये साइट जो है वो बिल्कुल फ्लैट आ रहा है, और हमें क्या करना है, साइट में एलिवेशन भी है हमारा, तो हम कैसे करेंगे? आप जाइए इसके प्लान पे, साइट पर गए हम, साइट पे मुझे सरफेस को इंक्रीज करना है, तो आप एडिट स्केच पे जाएंगे और थोड़ा और सरफेस इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, कंप्लीट में ये वर्क करेगा। बट इस एरिया में मुझे हिल दिखाना है, यानी कि लेवल जो है वो अप हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से करना है सब मॉडिफाई सब एलिमेंट, या फिर एड पॉइंट। सब एलिमेंट करेंगे तो आप जो भी पॉइंट पुट करेंगे वहीं पे एलिवेशन आ जाएगा। एड पॉइंट करना चाहते हैं तो स्पेशली पॉइंट्स ऐड होंगे आपके, बट मैं चाहता हूँ मेरा मॉडिफाई में जाए। एड पॉइंट जैसे ही करूँगा यहाँ पर ऑप्शन आएंगे कुछ आपके पास। एलिवेशन बेस, सबसे पहला एलिवेशन बेस में आ रहा है टॉप प्लेन, फिर आ रहा है करंट लेवल, ऑब्जेक्ट बेस पॉइंट, सर्वे पॉइंट, इंटरनल ओरिजिन। अब इंटरनल ओरिजिन आपको पता है, सर्वे पॉइंट आपको पता है, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट पता है, तब तो आप वो पिक कर सकते हैं। बट मुझे बिल्कुल ईजी है कि मुझे पता है मेरा करंट लेवल क्या है। करंट लेवल मेरा लेवल 1 से 2 इंच अबव है, तो मैं करंट लेवल सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं चाहता हूँ मेरा जो साइट है वो 3 फिट अप हो गया, 3 फिट अप, यानी कि 900। अब जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा, ये जो सरफेस है कंप्लीट 3 फिट अप आएगा मेरा, एंड देन यहां से डबल एस्केप कर दीजिए, और आपका ये सरफेस इस तरीके से बन गया। जो सेक्शन हमने कट किया था, कहीं भी आप ये जनरेट कर सकते हैं। सेक्शन को बढ़ाकर देखिए, एक साइड आपका 0 पे 2 इंच पे दिखेगा, एक साइड आपका 3 फिट अबव दिखेगा आपके सरफेस से। यहाँ पर आप प्रॉपर देख सकते हैं, अगर आपको एलिवेशन भी चेक करना है स्पॉट एलिवेशन, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं 3 फिट। देन अगर हम कॉर्नर पे आते हैं, तो यहाँ पर हमारा एलिवेशन आना चाहिए 0, अगर सही आ रहा है 0, ये 2 इंच और बॉटम वाला 2 इंच, बाकी हमारा 0 आना चाहिए। तो ये परफेक्ट आपका सरफेस बन जाता है। अगर आपको बीच में कहीं एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ जाए, जैसे अभी यहाँ पे कंट्यूरिंग आ रहे हैं, हम मासिंग एंड साइड पे जाते हैं, और यहाँ पे टोपो सॉलिड पे किया मैंने, या सरफेस को सिलेक्ट किया, एड पॉइंट, एड पॉइंट कीजिए, और मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा 4 फिट रहे। अब क्लिक क्लिक क्लिक, ओके, 4 जगह मैंने क्लिक किया। आप इनके पॉइंट्स बाद में भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई पे गए और किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए, मॉडिफाई, सब मॉडिफाई पे जाना है। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको भी 2 फिट, यहाँ पे क्लिक किया 2 फिट, जैसे फ्लोरिंग में हम करते थे। अगर आपने फ्लोरिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो आप सीख सकते हैं हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़कर, क्योंकि फ्लोरिंग के अंदर भी हमारे ये पोर्शन आते हैं कि कैसे आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं आपकी बिल्डिंग के फ्लोर पे, कैसे आप एलिवेशन डिवाइड करते हैं, कैसे आप टिक लाइन यूज करते हैं, तो वो चीज़ें भी हमारी लाइव ट्रेनिंग में कवर की जाती है। अब आप देख सकते हैं हर जगह आपका अलग अलग एलिवेशन आ जाएगा, जहां 2 फिट किया आपने वहां पे 2 फिट आएगा, जहां 1 फिट रखा वहां पे 1 फिट आएगा, जहां तक 2 फिट है वहां तक 2 फिट आपको शो कर देगा, ये मेरा 2 फिट। तो बेसिकली आप बहुत इजी वे में हर जगह एलिवेशन आपके दिखा सकते हैं। अब ये कंट्यूर आपका जो है वो काफी दूर दिखा रहा है,
तो कंट्यूरिंग के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट एडिट टाइप, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा कंट्यूर डिस्प्ले, कंट्यूर डिस्प्ले पे जाना है और आपका जो भी वर्जन डला हुआ है वो हम ऐसे ही रखेंगे। हम यहाँ से कर देते हैं एक और लेयर इंसर्ट, स्टार्ट इसका 100 फिट पे रहे, स्टॉप आपका 1000 पे हम कर देते हैं इसे 1000 फिट, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं मेरा 6 इंच का, हर जगह इंटरवल शो करता रहे क्योंकि साइट हमने बहुत बड़ा नहीं बनाया है। तो जैसे ही आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, आपका यहाँ पर कंट्यूर ज़्यादा दिखाने लग जाएगा, तो आप कंट्यूरिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं, अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल वेयर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स विल टीच यू अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड स्पेशली द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ AutoCAD, मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD Expert की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी PTS CAD Expert की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। आप रियलिस्टिक में साइट देखना चाहते हैं तो अभी ग्रासी आ रहा है, टॉप पर हमने ग्रासी रखा है तो ग्रासी ही शो होगा। अगर आप इसे स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट लाइन, हाफ सरफेस मेरा ग्रासी रहे हाफ मेरा अलग रहे, तो आप सेलेक्ट करके इसका सरफेस में भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमने एलिवेशन प्रोवाइड किया, आप अगर सेक्शन देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर भी दिख जाएगी कि अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लेवल्स आ रहे हैं। ये वर्क आप पहले नहीं कर सकते थे टॉपो सरफेस में। अब इम्पोर्टेंट क्या है, साइट बनाने के बाद मुझे रोड नेटवर्क शो करना है और रोड नेटवर्क भी ऐसा शो करना है जो हमें बिल्कुल परफेक्ट दिखे, हमारे जीरो लेवल से अप दिखे। तो उसे कैसे बनाते हैं, हमें एलिवेटेड हल्का फुल्का ट्रैक बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सेलेक्ट कीजिए आप सरफेस को, यहाँ पर आता है सब डिवाइड। सब डिवाइड करने से क्या होगा, जो भी आप शेप बनाएंगे वो आपका डिवाइड होकर आ जाएगा। मुझे करना है मेरा रोड नेटवर्क दिखाना है कि मेरा रोड नेटवर्क कुछ इस तरीके से चल रहा है, यहाँ से और इस तरफ मेरा रोड आ रहा है, यहाँ से इस तरफ आ रहा है और एक रोड नेटवर्क की लाइन मेरी इस तरफ जा रही है, ठीक है, स्मॉल रोड है। तो ये आप कर दीजिए क्लोज, यहाँ से ये कर दीजिए क्लोज, कंटिन्यूटी में रहेगा। बेसिकली मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ इसे। स्प्लिट आपको करना है 1 2। अब यहाँ से लीजिए आप फिलेट आर्क, यहाँ से इसे कर दीजिए फिलेट, कितना फिलेट करना चाहते हो आप, इस तरीके से हमने फिलेट कर दिया, देन ओके, देन ओके। इक्वल करना है तो यहाँ से आप रेडियस, जैसे 10 फिट आपको प्रोवाइड करना है तो 10 फिट का रेडियस दोनों तरफ आ जाएगा 10 फिट। सरफेस को थोड़ा और इंक्रीज करना है आप कर सकते हैं, पहले आप यह भी नहीं कर सकते थे आप कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखेंगे कि जो आपका 3D में जाकर आप सरफेस देखेंगे तो ये आपके अर्थ सरफेस से जो टोपो सरफेस आता है, टोपो सॉलिड आ रहा है, उससे अप आया ये। कितना अप आया यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, 1 फिट अप आया, बट मुझे मेरी सरफेस से सिर्फ और सिर्फ 3 इंच ऊपर चाहिए मेरा रोड नेटवर्क। तो जैसे ही मैं 3 इंच यहाँ पर पुट कर रहा हूँ अप्लाई, आपका रोड नेटवर्क नीचे चला जाएगा और 3 फिट से ये हो जाएगा इस तरीके से। जैसा आपका सरफेस है वैसा ही रोड नेटवर्क हो गया। अब सेलेक्ट कीजिए, हम चाहते हैं कैटेगरीज मटेरियल चेंज करना, तो आप एडिट पे आइए, यहाँ पर मुझे एक नया मटेरियल बनाना है, क्रिएट न्यू, राइट क्लिक, रीनेम, मैंने बनाया रॉड टेक्सचर, और यहाँ से ऑटोडेस्क के लाइब्रेरी पे जाने के बाद अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइट वर्क। साइट वर्क पे आपको ग्रास चाहिए, सैंड चाहिए, आपको रोड के लिए ही प्रॉपर चाहिए, तो मैं एग्रीगेट में चला जाता हूँ, यहाँ से एग्रीगेट्स अप्लाई, ओके। तो आप देखेंगे आपका रोड इस तरीके से दिख जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है, कैसे आप प्लांट्स लेकर आते हैं, तो यहाँ से हमने किया साइट कॉम्पोनेंट, अब यहाँ पर साइट कॉम्पोनेंट में जा सकते हैं, आपके प्लांट्स चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। कंट्यूरिंग आपको चेक करना है तो आप साइट पे जाइए, जो भी कंट्यूरिंग यहाँ पर आ रहा है लेबल कंट्यूर वो आप इजीली चेक कर सकते हैं इस तरीके से, आपका इंटरवल है वो 6-6 इंच पे दिखा देगा। सो टोपो सरफेस से बिल्कुल डिफरेंट है टोपो सॉलिड, इसके अंदर आप इजीली वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेरा साइट आ रहा है या हाउस आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो उसे कैसे एडजस्ट करेंगे,
आपको यहाँ से लेना है लिंक, इंसर्ट, लिंक रैबिट, कोई भी आप एक मॉडल ले लीजिए, जो भी स्मॉल एक मॉडल हमें लगे। ये मैंने मॉडल लिया ओपन, ठीक है, ये मेरा मॉडल एक आ गया है और हमने यहाँ पे इसे ड्रैग कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ये मेरा मॉडल आ गया। इस मॉडल की ओरिएंटेशन मुझे चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा मॉडल है, आप 3D में जाके देखिए, आपको क्लियर होगा कि आपकी साइट के साथ आपका परफेक्ट मॉडल बन चुका है और जो आपका मॉडल है वो भी प्रॉपर साइट पे आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजमेंट करना है, जैसे आप हाइट में चेंज करना चाहते हैं, टोपोग्राफी में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप टोपोग्राफी को फिर से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से 0 भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जो टोपोग्राफी है वो लेवल 1 पे ही रहे। तो इस तरीके से आप परफेक्ट वर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ पर साइज दिखाना है, ओके, सब रीजन हमने सब डिवाइड सरफेस को सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये मेरे हाउस तक इस तरीके से रोड नेटवर्क जा रहा है, बेसिक मैंने दिखा दिया, कट एंड देन स्प्लिट। तो यहाँ से भी ये आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ओके एंड देन चेक। तो आप देखेंगे आपके हाउस तक पूरा रोड नेटवर्क आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे डिवाइडर के साथ साथ जो हमारा रोड नेटवर्क है उसके साथ साथ शोल्डर प्रोवाइड करने है, और यहाँ पर डिवाइडर की वॉल जो रोड की आउटर है वो हमें डिफाइन करने है। तो कैसे हम करेंगे, आप यहाँ पर जाइए टॉप से और फिर से सिलेक्ट कीजिए इसे एंड देन सब डिवाइड। सब डिवाइड में आने के बाद आपको सिर्फ लेयर लेना है इस तरीके से कि यहाँ से यहाँ तक, फिर फिलेट आर्क लेना है मुझे, स्मूथ सरफेस आना चाहिए मेरा, ओके, क्लीन एंड देन ओके, इस तरफ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से किया ऑफसेट, 4 इंच का मेरा पेडेस्टल रहे, 4 इंचेस, 1, 2, 3, और आउटर को कर दीजिए आप क्लोज, 1, trim, connect। ये मेरा हो गया डिवाइड सरफेस। तो आप देखेंगे जो आपकी बिल्डिंग के बाहर रोड के बाहर साइड में अपस्टैंड होता है, डिवाइडर का जो लाइन होता है या फिर शोल्डर जो होता है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, इजीली बन सकता है, जो टोपोग्राफी में पॉसिबल नहीं था पहले। अब इसका क्या मटेरियल आपको रखना है, कंक्रीट में आपको बनाना है, ब्रिक में बनाना है, तो वो आप रख सकते हैं। मैंने इसे ब्रिक का नाम दिया एंड देन ओके। सो आप देखेंगे ये आपका पोर्शन इस तरीके से बन गया है। तो साइट के अंदर आप इजी वे में ये चीजें कर सकते हैं। मासिंग एंड साइट पे जाते हैं, बाकी हमारा लेबल कंटिन्यू रहता है। प्रॉपर्टी लाइन शो करना है आपको, बाय स्केच करना है मुझे, तो जिसका भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इस तरफ किसी और पर्सन का प्रॉपर्टी है वो आप शो कर सकते हैं, सेम कंटिन्यूरिंग के साथ आपका प्रॉपर्टी लाइन आ जाएगा। अगर आपको टैगिंग करना है सेम वही तरीके हैं, एनोटेशन में जाना है आपको, टैग बाय कैटेगरी करना है और प्रॉपर्टी लाइन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास टैग लोड नहीं है तो आप जैसे ही ओके करेंगे ये टैग लोड करने के लिए बोलेगा आपको, आप लाइब्रेरी से टैग लोड करवा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं करवा रहा हूँ एनोटेशन सिविल, यहाँ पर आ गया मेरा प्रॉपर्टी लाइन, ठीक है, प्रॉपर्टी टैग। जैसे क्लिक करेंगे आपकी लोकेशन बता देगा कौन सी प्रॉपर्टी पे क्या लाइन है। मासिंग में ही मैंने आपको बताया सरफेस ऐसे काम करता है। पार्किंग कॉम्पोनेंट्स आपको शो करने हैं तो आप पार्किंग भी सेम उसी तरीके से शो करवा सकते हैं। हमारा पार्किंग एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पार्किंग आ रहा है। सो इस तरीके से आप टोपो सॉलिड से वर्क कर सकते हैं। टोपो सॉलिड में डिफरेंट सिर्फ इतना है, जब आप सेलेक्ट करके एडिट टाइप करते हैं तो वो डिफरेंट लेयर्स में मिलता है आपको एज ए फ्लोर। उसके अंदर आप अपना ग्रेवल्स भी दिखा सकते हैं, आप ग्रास भी दिखा सकते हैं, अगर आपका कॉन्क्रीट टाइल आ रहा है, लैंडस्केप टाइल आ रहा है, वो भी आप शो कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा वर्क ईजी हो गया। रोड नेटवर्क हमें एलिवेटेड बनाना होता था तो हम फ्लोर के थ्रू बनाते थे, अब यहाँ पर ईजिली आप बना सकते हो। अगर आप सेक्शन कट करके कहीं रोड के पास से देखते हैं तो आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि पहले किस तरीके से हम वर्क करते थे, अब किस तरीके से और इजी हो गया हमारा। तो सेक्शन लाइन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से कर दीजिए स्प्लिट सेगमेंट। सो मैं रोड से भी सेक्शन कट कर रहा हूँ और मेरा अर्थ सरफेस पे भी। तो आप देखेंगे आपका रोड से भी, ये रोड है हमारा और ये हमारा अर्थ सरफेस है, तो दोनों तरफ आप ये वर्किंग कर सकते हैं। फाइन व्यू करेंगे तो हर एक लेयर्स आपको दिख जाती है। सो ये डिफरेंस है आपका टोपो सॉलिड में और ये है आपका सरफेस, टोपो सरफेस। ये आपका टोपोग्राफी था पहले, जो टोपो सरफेस 2D की तरह काम करता था, बट अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर 24 के अंदर टोपो सॉलिड, जो कि आपकी लेयर्स के साथ काम करता है, इजी वे में आपका वर्क हो जाता है।
इस तरीके से आप बहुत इजी वे में ये वर्क कर सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमने प्रॉपर कोशिश की है कि ये चीज़ें आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से और ज़्यादा डिटेल में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।